कोतवाली पुलिस ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2,70,000 रुपए व कार बरामद की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को उमा शंकर द्विवेदी पुत्र मुनिलाल द्विवेदी निवासी वार्ड 11 ने कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ कैबिनेट मंत्री बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने की तहरीर दी थी, जिसमें हीरा सिंह, सतनाम सिंह और फसत्ता हरभजन सिंह व मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू को नामजद किया गया था। इसके खिलाफ धारा 115, 120B, 121A व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर अजीज के कब्जे से 2,70,000 रुपए व हीरा सिंह के कब्जे से स्विफ्ट कार बरामद की। पुलिस के अनुसार हीरा सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसका अवैध खनन का काम बंद हो गया था। वह सरकारी जमीन से गेहूं चुराने के मामले में जेल चला गया था। उसे शक था कि यह सब बहुगुणा की वजह से हुआ, तभी से उसने बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उसने जेल में बंद सतनाम से बात की। उसने जेल से बाहर आकर हरभजन के साथ अजीत से मिलने को कहा। दोनों से 20 लाख में बात हुई, 5,70,000 एडवांस दिए गए। हीरा के मुताबिक वह तब से बहुगुणा की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। अजीत ने हीरा के बयान से सहमति जताते हुए कहा कि उसे 5,70,000 रुपए मिले, जिसमें 3 लाख माँ के इलाज में खर्च हो गए। अब पुलिस आरोपियों के संपर्क में आए लोगों व मंत्री के भ्रमण के दौरान की सीसीटीवी फुटेज जुटाने में लगी हुई है। देखिए, जो तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत हुआ है। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। कितने रुपए सर दिए गए थे, कितने बरामद हुए? 70,000 रुपए हमें बरामद हुआ है। तो अभियुक्तों ने ये को बुला के 5,70,000 रुपए उसको पेमेंट मिला है माननीय मंत्री जी को नुकसान पहुंचाने के लिए।